अभी तक तुम बोला कि दिख पटना के एसकेपुरी नाले में एक बच्चा गिर जाता है और उसके गिरने के कई घंटे बाद भी उसका पता नहीं चल पाता है। इसी नाले में उस दीपक नाम का एक बच्चा जो है कई घंटे पहले गिरा था। एसडीआरएफ की टीम कई घंटे की देर के बाद यहां पहुंची है और बच्चे की खोजबीन की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची है, पटना पुलिस की टीम जानकारी मिलते ही यहाँ पर पहुँची थी और स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू का पूरा तैयारी किया जा रहा है। हालांकि घटना के 4 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीम तैयारी कर रही है इस नाले में उतरने के लिए और इसी नाले में एनडीआरएफ की टीम उतरेगी और बच्चे को निकालने का भरसक प्रयास करेगी। लोगों का हुजूम यहाँ पर जुटा हुआ है, लोग बाग जो है स्थानीय लोग बाग जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ही, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँचकर लगातार प्रयास कर रही है कि जो दीपक इस नाले में गिरा है उसकी बरामदगी की जा सके। हालांकि अभी तक दीपक को इस नाले से बरामद नहीं किया गया है। इस समय ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।